पहला वाला क्लास सब लोग देख लिया था क्या? मेरा पहला वाला क्लास, उसमें क्या है, मैंने बढ़िया से पूरा CS1 के बारे में बता भी दिया था, है ना? तो अपना क्या ओरिएंटेशन बढ़िया से हो गया एकदम। अब अपने को एकदम कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए CS1 में अभी तक तो। और लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर रहे थे, राइट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे। PDF हम लोग कर चुके, अभी आज हम लोग क्या करेंगे, CDF। CDF का फुल फॉर्म क्या होता है, हेडिंग लगाना CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ध्यान दो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ध्यान देना, कैपिटल एफएक्स, उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर अपने ध्यान देंगे, अपना वो जो PDF था और कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ मतलब CDF, स्मॉल एफ मतलब PDF, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो एकदम। चलो आओ, जीरो वन और टू, जीरो पे प्रोबेबिलिटी था 1/4, यहां पर 2/4 और यहां पर 1/4। तो CDF का देखो क्या बनता है, CDF का कंस्ट्रक्शन देखो, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला प्रोबेबिलिटी कहां पर आ रहा है, कोई अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा, पहला प्रोबेबिलिटी कहां पर आ रहा है, अदिति सुराना पापा को बोल दूंगा, पहला प्रोबेबिलिटी कहां पर आ रहा है, जीरो पे। तो इट इज जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, इट इज 1/4, ठीक है। तो जैसे ही एक्स जीरो को टच करेगा और वो वन से छोटा होगा तो इस रेंज में क्या होगा, 1/4। फिर जैसे ही एक्स वन को टच करेगा और वो टू से छोटा होगा तो उस रेंज में प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। 1/4 प्लस 2/4 इज 3/4, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही एक्स दो या फिर दो से बड़ा होगा तो उस रेंज में टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगा। तो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा वन होगा, प्रोबेबिलिटी अप टू दैट पॉइंट। तो इसमें क्या है ना, हम लोग को वो पॉइंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है, तो उसको छूते ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, उसको छूते ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जीरो है, ये वन है और ये टू है, तो यहां पर है 1/4, यहां पर है 3/4 और यहां पर है वन। अलग कलर के पेन से जीरो पे हाइट लिया 1/4 का, फिर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे वन तक गया, फिर वन पे हाइट लिया और 2/4 का, फिर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, फिर और ऊपर गया और फिर यहां से ऐसे कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, एक्स, और यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ध्यान दो इसमें, ग्राफ देखो। यस तनिष जी बोलिए, कौन सा, नहीं दो से कम में तो 3/4 है, और जैसे ही वो दो या फिर दो से ज्यादा, देखो ना, दो को जैसे ही टच किया और दो से बड़ा में क्या है, वन, ठीक है। हाँ तो अब आप लोग मेरे को बताएंगे, हम लोग लास्ट डे क्या किए थे, PDF का ग्राफ किए थे। तो लास्ट डे और आज का एनालिसिस में तुम लोग सब मेरे को बताना, स्मॉल एफ 0.85 कितना था? सर जीरो। क्यों जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहां कहां पर था, जीरो पे, वन पे, टू पे, बाकी सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी जीरो थे। लेकिन अगर मैं तुम लोग से पूछूं
कैपिटल एफ 0.85 कितना होगा? तो तुम लोग बोलोगे सर 1/4, क्योंकि हाइट देख लो, ये 0.85 यहां पर है ना, हाइट देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.85। तो लेस देन इक्वल टू 0.85 में तो मेरा जीरो भी आ गया, यस और नो? लेस देन इक्वल टू 0.85 में तो मेरा जीरो भी आ गया ना। एक और क्वेश्चन, कैपिटल एफ 1.85 प्रेम भाव से बताएंगे, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.85, तो 1.85 में तो जीरो भी आ गया और 1 भी आ गया, 1.85 यहां पर देखो, तो आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबके सब, कमेंट बॉक्स में 3/4, गुजरात सबसे आगे, सूरत गुजरात सबसे आगे, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो दिस इज CDF, हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा कंडी, यस अंश जी बोलिए। हाँ मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, दो मिनट दो मैं समझाऊंगा, 10-15 मिनट टाइम दो। कंडीशंस फॉर अ वैलिड CDF, लिखिएगा लिखिएगा, सबसे पहला है fx शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x, ठीक है। दूसरा लिखना, इट शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, इट शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग, मतलब या तो सेम रहे या फिर बढ़े, गिरे नहीं, ठीक है। इट मतलब क्या? fx शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। एंड जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? जो लास्ट वाला वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। जो लास्ट वाला वैल्यू है वो हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। fx इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। जो लास्ट वाला वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगा। fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, fx शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, एंड fx इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। आइए, ये तीनों कंडीशंस अगर होते हैं तब उसको हम लोग एक वैलिड CDF मानते हैं, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप लोगों को बताना है कि ये वैलिड CDF है कि नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4 और यहां पर आ गए मेरे fx के वैल्यूज 0.2, 0.1, 0.6 और 1। बताओ ये वैलिड PDF है, ये वैलिड CDF है कि नहीं है, बताना कि ये नो। तनिष्क खुराना इज सेइंग नो, क्यों नो? क्योंकि देखो जैसे x बढ़ा, जैसे ही तुम्हारा x 1 से 2 हुआ, fx गिर गया, बट मिडिल कंडीशन क्या था? fx शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, बोलिए ना बोलिए, fx शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, तो गिर गया, तो नॉट अ वैलिड CDF। दूसरा देखिएगा प्रेम भाव से 0.1, 0.2, 0.6, 1.2, बताइए कि क्या ये नो? अंश शर्मा इज सेइंग नो अगेन, अंश शर्मा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, सारे के सारे वैल्यूज बढ़े हैं। fx इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, बट द लास्ट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, तो इसको भी काट देंगे हम लोग। आगे आइए, तुम लोग को तो इसी में मजा आता है, माने यस और नो टाइप का आंसर, MCQ, तुम लोग तो इसी के लिए तो इतना फीस देते हो। अगर अभी कोई सम दे देंगे, बोलेंगे करो सम, तो यही में तुम लोग को मजा आता है, जब पूछेंगे यस और नो बोलो, हाँ या ना बोलो, तो MCQ खेलती है, इसमें तुमको मजा आता है। fx देखो 0.2, 0.5, 0.85 एंड 1, अब बताइए कि ये वैलिड PDF वाली, मैं बाबा PDF बोल रहा हूं, अब बताइए कि ये वैलिड CDF है कि नहीं है? ये वैलिड CDF है, यस द आंसर इज यस।
एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इंफिनिटी इज इक्वल टू वन। तो ये वाला हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं भूल से एक दो बार पीडीएफ पीडीएफ बोल दिया, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लास्ट जे पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी अप टू पॉइंट एक्स। तो इसमें देखिएगा, यहां पर तीन कंडीशन मैंने बताए, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉल एफ मतलब क्या कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्मॉल एफ मतलब क्या, स्मॉल एफ मतलब पीडीएफ, कैपिटल एफ मतलब सीडीएफ। तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स शुड बी अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू वन। ठीक है, निधि सारदा जी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो अब सुनो सुनो, अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, सपोज करिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है और हम लोग को सीडीएफ दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग को पीडीएफ से सीडीएफ जाना होगा तो करेंगे प्लस, और जब भी हम लोग को सीडीएफ से पीडीएफ आना होगा तो करेंगे माइनस, सीडीएफ से पीडीएफ आना होगा तो करेंगे माइनस, पीडीएफ से सीडीएफ जाना होगा तो करेंगे प्लस। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट लिखो, नोट लिखिए, इतना सा आता है तुम लोग मेरे पास, सी एस वन मतलब क्या, सी एस वन मतलब इतना सा, पाल पोस के बड़ा करना मेरा काम, जैसे मम्मी पापा होता है ना वैसे, बात सुना करो मेरा। ठीक है, ऐसे मतलब आप कौन है, नहीं सुनेंगे, जाइए नहीं करेंगे होमवर्क, नहीं करेंगे, देख लेंगे जो होगा, ये सब गलत चीज है। ठीक है, आपसे मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लिखो लिखो, whenever we are given CDF, whenever we are given CDF and we are asked to calculate probabilities, we will always convert to PDF and then calculate the probabilities। इसका क्या मतलब हुआ लाइन का, सर अगर हम लोग को कभी भी CDF दे दे तो सबसे पहले हम लोग उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे बाबू, और फिर उसके बाद में PDF में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग उससे प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। जैसा कि अभी अंश शर्मा ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, अंश शर्मा ने मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा, सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू में प्रोबेबिलिटी वन है। गलत, ये बेटा ये रेंज है, ये रेंज है। ठीक है, अगर आप लोग पीडीएफ से देखोगे, ये मेरा पीडीएफ है, तो अगर मैं यहां पर देखूं दो या फिर दो से बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी कितना, कमेंट बॉक्स में बताना, तो दो या फिर दो से बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी कितना, सर द आंसर इज 1/4, लेकिन यहां पर तो देखो 1 आ रहा है। नहीं बेटा, ये रेंज दिया हुआ है, और ये किसका रेंज दिया हुआ है, ये सीडीएफ का रेंज दिया हुआ है, कि एक्स जब दो या फिर दो से बड़ा होगा तो सीडीएफ का वैल्यू विल बी 1, एक्स जब 1 या फिर 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा तो सीडीएफ का वैल्यू विल बी 3/4। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल। सर के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं,
थोड़ा तो अभी तो तुम लोग पैसा दिए हो, थोड़ा दिन तो तुम लोग को थोड़ा मजा लेने दो, फिर हम मजा लेंगे। ये हम लोग को सीडीएफ दिया हुआ, एकदम ध्यान देना, ये हम लोग को सीडीएफ देना। अभी एकदम क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है। यस, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आवर एडमिशंस आर गोइंग ऑन। अगर कोई आप लोग से पूछे, आप लोग का फ्रेंड या फिर भाई बंधु, तो ऐसे मत बोलना उसको कि नहीं वहां पर तो क्लास स्टार्ट हो गया, अभी सर एडमिशन बंद कर दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए यस एडमिशन इज ओपन, तुम लोग अभी ज्वाइन कर लो, ऐसे करके बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले अगर आप लोग को मान लो सीडीएफ देगा, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले इसमें वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट को छूने से प्रोबेबिलिटी बढ़ा है। बहुत सेंसिटिव बात कर रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट को छूने से प्रोबेबिलिटी बढ़ा है। द आंसर इज 1 को छूने से, 4 को छूने से, 6 को छूने से और 10 को छूने से प्रोबेबिलिटी बढ़ा है। यस और नो? जैसे ही देखो ना, 1 को छुआ प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, फिर जैसे ही 4 को छुआ प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, फिर जैसे ही 6 को छुआ प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, और फिर जैसे ही 10 को छुआ प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ गया। तो एक बार देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी है। 1, 4, 6, 10, 1, 4, 6, 10। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 को छूने से प्रोबेबिलिटी, 1 को छूने से जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0 था, अब वो कितना हो गया, 1/3। तो मेरा कितना से प्रोबेबिलिटी बढ़ा। सर जब भी हम लोग सीडीएफ से पीडीएफ जाएंगे, हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, माइनस किसको किससे करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है और इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, ध्यान देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/3, फिर हाफ माइनस 1/3 मतलब 1/6, फिर आ जाएगा यहां पर 1/3, फिर यहां पर 1/6। देखो मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया पीडीएफ, ये मैंने बना दिया पीडीएफ, किससे, सीडीएफ से। कैसे, माइनस करके। बोलो ना, हां देख लो इसको आराम से। कभी भी अगर मान लो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा, तो सीडीएफ से सबसे पहले पीडीएफ निकालेंगे और फिर पीडीएफ से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो इसमें, ध्यान दो इसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया अला? ठीक है, यस और नो? ठीक है, अब देखो हम लोग को यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ा होना, 6 या फिर 6 से छोटा होना। ठीक है, देखो 2 से बड़ा मतलब क्या, 4, 6, 10, 6 या फिर 6 से छोटा होना। तो कौन कौन से फंस गए, 4 और 6, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे, 1/6 + 1/3 विच इज हाफ। समझा, 2 से बड़ा में क्या आ जाएगा, 4, 6, 10, लेकिन 6 या फिर 6 से छोटा में 10 हट गया, तो 4 और 6 वाला प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग को प्रोबेबिलिटीज निकालना है। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या, 4, 6, 10, 4, 6, 10 मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस 1 वाला प्रोबेबिलिटी, माने टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस 1 वाला प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 2/3। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/6 + 1/3 + 1/6, देख लो इसको। ठीक है, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, द आंसर इज 1। नो नो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब 10 या फिर 10 से ज्यादा, मतलब 1/6। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 10, द आंसर इज 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 4, लेस देन 4 में कौन सा फंस जाएगा, 1 वाला, तो 1/3। ठीक है, देख लो इसको। क्लियर एवरीवन, प्रोबेबिलिटीज मैंने किस तरीके से निकाला है? सानवी जी आपको समझ में आ रहा है? लतिका जी आपको समझ में आ रहा है? सार्थक भगत समझ में आ रहा है? पेडिना जी आपको समझ में आ रहा है?
वैभव भी समझ में आ रहा है आपको? देखो, तो इसके बाद में सबसे पहले पीडीएफ का ग्राफ 1 4 6 10, तो 1 4 6 10, तो एक बार बताना, एक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से, हाँ 1/3 बड़ा होता है ना 1/6 बड़ा होता है, बता दो आज, आज तो बता ही दो, 1/3 बड़ा होता है ना 1/6 बड़ा होता है, 1/3 बड़ा होता है, है 1/3 बड़ा होता है, ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, वेरी गुड। तो 1/3, तो यहां पर नीचे में क्या आएगा और ऊपर में क्या आएगा बता दो, अब बता दो नीचे में क्या आएगा और ऊपर में क्या आएगा, नीचे में आएगा 1/6, वेरी गुड, और ऊपर में आएगा 1/3, ठीक है, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, तो बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है, ये हो गया मेरा, यहां पर मेरा x हो गया, यहां पर प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x हो गया। इसके बाद में मैं बनाऊंगा CDF का ग्राफ, तो ये x हो गया और यहां पर हो गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है, ये हो गया मेरा 1 4 6 10, 1/3, हाफ, 5/6 एंड 1, तो स्टार्ट करो यहां से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, देख लो इसको, चले क्या आगे, चले क्या आगे, चले चले आगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को fx दे दिया है 0 1/4, हाफ, 3/4 और 1, व्हेन x इज लेस देन -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से 5, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को सबसे पहले पीडीएफ बनाना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी है, सर -1 1 3 और 5, तो कितना कितना प्रोबेबिलिटी है, -1 1 3 और 5, -1 पे है 1/4 1/4 1/4 1/4, देख लो इसको आराम से, अब प्रोबेबिलिटीज निकालो, देखो ग्राफ मैं नहीं बना रहा, चलो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, यहां पर एक हल्का से इधर भी टानेंगे क्योंकि यहां पर -1 भी आएगा, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है, और ये हो गया मेरा 1/4, तो ऐसे करके 4 लाइन टान देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूं चीजों को, यहां पर मेरा x हो गया और यहां पर मेरा प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x हो गया। इसी तरीके से हम लोग को फिर से एक ठो CDF का बनाना है, हल्का सा इधर से, ये मान लो अगर -1 है, 1 है, 3 है और ये 5 है, तो यहां पर 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1, ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर यहां से ऐसे हम लोग स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ऊपर, ठीक है, देख लीजिए इसको, क्लियर एवरीवन, ये वाला चीज सबको क्लियर है, ओके,
अब इसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज मैं निकालने के लिए दे रहा हूं, वो निकाल लो। प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री कितना आएगा बताइए? प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू थ्री, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन थ्री, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। लेस देन इक्वल टू थ्री का तो आंसर हो जाएगा 3/4, ये 1/4, ये 2/4, 1/3/5 3/4। प्रोबेबिलिटी 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, इसका आंसर होगा 0। प्रोबेबिलिटी 3 या फिर 3 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, इसका आंसर होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी 3 या फिर 3 से बड़ा हो 5 या फिर 5 से छोटा हो, इसका आंसर होगा 2/4। देख लो इसको आराम से। एक जन लिखा है 2, कौन लिखा है? पारस मदान। 2 क्या चीज का आंसर होगा भाई? हाँ, बोलो ना। हाँ हाँ बोलो, तुम लोग को ऐसे समझ में आ गया तो हाँ बोलो। वरुण अग्रवाल, आयुष पोद्दार, मनन, शिवम, पारस, तनीषा, हाँ बोलो। इशिका वर्मा, हाँ बोलो।